हम बात कर रहे हैं ओरिएंट ग्रीन पावर की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो स्टॉक में हमको 1% तक के अपसाइड के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। गिरावट के वक्त हमने सपोर्ट लेवल को डिस्कस किया था। जब स्टॉक उसी सपोर्ट से बाउंस बैक हुआ था उस वक्त हमने डिस्कस भी किया था कि स्टॉक ये जो इसका हाई है 22 रुपीज़ तक का जंप हमको दिखा सकता है, जो कि इसका रेजिस्टेंस रहेगा। और हम देख सकते हैं चार्ट पैटर्न पे स्टॉक ने हमको टारगेट हिट करते नज़र आ रहा है। 22 रुपीज़ तक का जंप ओरिएंट ग्रीन पावर में देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ से अब ट्रेंड की बात करें, स्टॉक के अगर ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव है। स्टॉक अपने पॉजिटिव ट्रेंड में अप साइड की ओर सस्टेन होता नज़र आ रहा है। 22 से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया है तो इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा 21-20 का लेवल। ब्रेकडाउन कर जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 20-50 का लेवल और मेजर सपोर्ट जहां से स्टॉक ने गिरावट के साथ सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया है 19.80 रुपये 20 रुपये का लेवल रहेगा। अब एक दफ़ा चार्ट पैटर्न पर नज़र डालें तो देखें, जब गिरावट के बाद बाउंस बैक हुआ, एक जंप आया स्टॉक में, छोटी सी गिरावट, लो ब्रेकडाउन नहीं हुआ, अगेन जंप और हाई ब्रेकआउट, अगेन छोटी मोटी गिरावट, जंप, हाई ब्रेकआउट। जब गिरावट आई है तो स्टॉक अपने लो को ब्रेकडाउन नहीं कर रहा है। यहाँ से ग्रीन पावर का है, ओरिएंट ग्रीन पावर का खेल पलटते नज़र आ रहा है। बस अब इंतज़ार है इसके इस लेवल के ब्रेकआउट का जहाँ से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया है, इसको भी ब्रेकआउट करता है स्टॉक हमको नज़र आ सकता है। और होल आर चार्ट पैटर्न की भी बात करें तो स्टॉक आप ट्रेंड में ही नज़र आ रहा है, अपने पॉजिटिव ट्रेंड में ही नज़र आ रहा है, बाउंस बैक कर रहा है। ऐसे बाउंस बैक के साथ इस हाई को ब्रेकआउट करता नज़र आ सकता है, इसके पूरे पूरे चांस स्टॉक में बनते नज़र आ रहे हैं। तो इमीडिएट टारगेट रहेगा 22 रुपये 20 पैसे का लेवल। इसको ब्रेकआउट कर गया तो 23.50 और 23.50 के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में हमको 24.50 नेक्स्ट टारगेट, और इसको ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर लगातार तेज़ी स्टॉक दिखा सकता है। फिर हमको ओरिएंट ग्रीन पावर में 30 तक के भी टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।